प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक गणित की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक गणित के एक और महत्वपूर्ण सूत्र की। सूत्र का नाम है प्रावर्त्य योज्य। तो आज हम इस सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने तीन सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसमें सबसे पहले हमने एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उसके बाद निखिलम नवतय चरमम दशतय सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, और फिर उसके बाद ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र के बारे में बात की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो सूत्र है वो है प्रावर्त्य योज्य। आइए देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं और इसका जो गणितीय प्रयोग है वो कैसे है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो प्रावर्त्य योज्यत, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं, तो इनका हिंदी मीनिंग क्या है, यह है पक्षांतरण तथा अनुप्रयोग। इसका जो हिंदी मीनिंग हुआ वह है पक्षांतरण तथा अनुप्रयोग। अगर बात करें इंग्लिश में तो ये है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। अप्लाई भी कह देते हैं, अप्लाई या फिर एडजस्ट। अप्लाई या फिर एडजस्ट। फिर बच्चों, जो सूत्र का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? सूत्र का प्रयोग है क्रियात्मक आधार, पिछला आधार भी कह देते हैं, क्रियात्मक आधार से अधिकाए तथा पूरक ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक आधार से अधिकाए, अधिकाए मतलब कितना अधिक है, और पूरक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 123 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय और पूरक ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर हम लिखें कि 123 कोई भी संख्या हो सकती है, का क्रियात्मक आधार से अधिकाय और पूरक ज्ञात कीजिए। अधिकाय मतलब कितना अधिक है। अब प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ये समझना है कि जो क्रियात्मक आधार है, जिसका पिछला आधार है, आधार या फिर बेस, हम वैदिक गणित में क्या यूज करते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से। और जैसे जो 20, 30, 40 ये होगी, ये 10 के मल्टीपल ऑफ बेस होगी, मल्टीपल ऑफ बेस। इसी तरह से 100 के लिए क्या हो जाएंगे, 200, 300, 400, 500, ये मल्टीपल ऑफ बेस हो गया, किसका, 100 के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेस हमारे ये है, हमारे क्रियात्मक आधार ये है। अब पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि 123 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय, 123 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय। अब यहां पे आपको करना क्या है, किस तरह से आप अधिकाय और पूरक ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए अगर आप सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे क्रियात्मक आधार से अधिकाय किसी संख्या का,
लो यहाँ पे, किसी संख्या का, किसी संख्या का क्रियात्मक आधार से अधिकारी, ये हम कैसे निकालेंगे? तो ये हम निकालेंगे संख्या माइनस क्रियात्मक आधार। तो ये हमारे पास इस तरह से हम अधिकारी निकालेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि किसी संख्या का क्रियात्मक आधार से पूरक बेस से निकालते हैं, तो बेस में से माइनस करना है, यानी कि यहां पे क्या होगा, क्रियात्मक आधार माइनस संख्या। तो इस तरह से इन दोनों सूत्र की सहायता से आप किसी भी संख्या का क्रियात्मक आधार से अधिकायक और पूरक निकाल सकते हैं। अब आप देखिए 123 का क्रियात्मक आधार से अधिकायक, तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा ना 123 के लिए क्रियात्मक आधार क्या है। हम लिख देंगे कि 123 के लिए क्रियात्मक आधार, 123 के लिए क्रियात्मक आधार, यहां पे क्रियात्मक आधार मतलब पिछले आधार की बात हो रही है। तो आधार है हमारे पास, बेस है हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000 and so, ये है। तो 123 से पहले इनमें से कौन सा बेस आएगा, 100 आएगा। तो 123 के लिए क्रियात्मक आधार कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहां पे देखो 123 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय, अधिकाय के लिए सूत्र क्या है हमारा, संख्या माइनस क्रियात्मक आधार, संख्या माइनस क्रियात्मक आधार। अब संख्या कितनी है हमारे पास, संख्या है हमारे पास 123 और क्रियात्मक आधार है हमारा 100, तो 23, तो अधिकाय आ गया 23। ठीक इसी तरह से क्या निकालना था, दूसरा है हमारे पास 123 का क्रियात्मक आधार से पूरक। अब यहां पे हमारे पास उत्तर क्या है, इसके लिए हमारे पास उत्तर है क्रियात्मक आधार माइनस संख्या, क्रियात्मक आधार माइनस संख्या। क्रियात्मक आधार 100 माइनस संख्या है 123, 100 माइनस 123 तो माइनस का 23 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्रियात्मक आधार से अधिकाय और उसका पूरक निकालते हैं। अब यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। अगर हम बात करें हम आपकी बार एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो हमें 205 के लिए काम करना है, 205 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय निकालना है और इसी तरह से 205 का क्रियात्मक आधार से पूरक भी निकालना है। तो ये हम एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें यहां पे ये हमने जो हमारा फर्स्ट हो गया और सेकंड में अगर आप लिखना चाहो तो 205 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय और पूरक ज्ञात कीजिए, ये
ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब प्यारे बच्चों यहां पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये कर देते हैं कि इसका जो क्रियात्मक आधार है वो 200 ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो क्रियात्मक आधार है जो हमारे पास बेस है वो है 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह चलेंगे। 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 के लिए कैलकुलेशन इतनी छोटी हो जाती है, उसमें कुछ विशेष अलग से ट्रिक की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास क्रियात्मक आधार है। और जो ये मान लो 200 की बात हो रही है या 300 की बात है, ये मल्टीपल ऑफ बेस है, तो हम क्रियात्मक आधार की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्रियात्मक आधार तो कितना होगा, 100 ही होगा। इससे पिछला जो आधार है वो क्या होगा, 100 ही होगा। तो उसके लिए देखो हमारा जो क्रियात्मक आधार है वो कितना बनेगा, 100 होगा। और संख्या हमारे पास 205 है, 205 का क्रियात्मक आधार से अधिकाय हो गया संख्या माइनस क्रियात्मक आधार, संख्या माइनस क्रियात्मक आधार। तो संख्या है हमारे पास 205 माइनस इसका जो क्रियात्मक आधार है वो भी 100 ही है, तो ये कितना हो गया, 105। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ठीक इसी तरह से अगर 205 का क्रियात्मक आधार से पूरक निकालने हैं, तो पूरक निकालने के लिए पहले क्रियात्मक आधार लिखेंगे। क्रियात्मक आधार हमारा 100 है, माइनस संख्या है 205, ये आ गया माइनस 105। तो ये हमारे पास इस तरह से, आपको मल्टीपल ऑफ बेस नहीं लेने हैं, सिर्फ बेस लेने हैं। तो ये आपको देखना है। अब सपोज करो आपके पास 325 है, तो 325 के लिए भी जो क्रियात्मक आधार है वो क्या होगा, इससे पहले वाला जो आधार है 100 ही होगा। मान लो आपके पास 1320 है, 1320 है, तो इससे पहले वाला जो आधार है, देखो 1000 आ जाएगा, तो इसका जो क्रियात्मक आधार है वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसके लिए आपको सोल्व करना है। दो महत्वपूर्ण बातें हो रहे हैं इसके साथ ही। एक तो पहली बात कि जो आपका अधिकाय है, यहां पे देखो अगर पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर के लिए हमने ये पॉजिटिव नंबर लिए है, तो जो अधिकाय है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, और जो पूरक है वो नेगेटिव आ रहा है। इन पॉजिटिव नंबर का जब हम अधिकाय और पूरक निकाल रहे हैं किससे, क्रियात्मक आधार से, तो जो अधिकाय है वो पॉजिटिव आ रहा है और जो पूरक है वो नेगेटिव आ रहा है। यहां पे भी अधिकाय पॉजिटिव है और पूरक नेगेटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पूरक में जैसे 123 का जो पूरक था वो कितना था, 123 का पूरक था माइनस तेईस। जब किसी संख्या और उसके पूरक को हम प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके क्रियात्मक आधार के बराबर हो जाएगा हमेशा। यहां पे आप इसको सूत्र की तरीके से भी लिख सकते हो कि संख्या प्लस संख्या का पूरक बराबर है क्रियात्मक आधार। यहां पर भी चेक करो, 205 का पूरक था -105, जब दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमें 100 मिलेगा, जो कि हमारा क्रियात्मक आधार है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो हमारा सूत्र है परावर्त्य योजित, उसका अर्थ जाना, और इस सूत्र का प्रयोग मेनली किस चीज के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अधिकाय और पूरक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसके बारे में बात की। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो ये सूत्र है इसका प्रयोग हम जो कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन है, जो गुणा के क्वेश्चन है, उनमें किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन फास्ट हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।